आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी जमाने में एक नारा बहुत चर्चा में था, आपने भी सुना ही होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा भारत और चीन के बेहतर रिश्तों की गवाही के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते। वक्त बदला और भारत और चीन के रिश्तों के बीच में तल्खियां आ गईं। सिलसिला वहां से चलकर यहां आ पहुंचा है कि अब कोई दिवाली ऐसी नहीं जाती जब चाइनीज झालरों के बॉयकॉट की आवाजें ना सुनाई दे। अभी कुछ दिन पहले भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आईं, और ये झड़प थी सीमा विवाद को लेकर। हालांकि सीमा विवाद चीन का सिर्फ भारत के साथ नहीं है, ऐसे और भी तमाम देश हैं जिनके साथ चीन का सीमा विवाद है। तो वो कौन से देश हैं और क्या विवाद है, उसके कौन से राजनीतिक पेच हैं, ये बताएंगे आपको आज के ज्ञान ध्यान में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबरें नई नहीं हैं, लगभग हर साल ऐसी खबरें आती रहती हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में विवाद चल ही रहा है, साथ ही साथ लद्दाख के गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। भारत के साथ चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर अपना दावा करता है, वहीं लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन के कब्जे में है। 1963 के एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। चीन भारत के कौन से इलाके में है जिन पर अपना दावा करता है, बता रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर राकेश कुमार। ये चीन देखिए, एक्चुअली चीन चीन हमारा अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश पे ये बोलता है कि उनका पार्ट है, मतलब उस पर दावा करता है। फिर आपका ये आपका लद्दाख का, लद्दाख का अच्छा है चीन का, जो कुछ नो सारे चीज को दावा करता है, मतलब इसकी अगर आप देखा जाए अरुणाचल और ये, तो उनको तिब्बत के नजर से देखा जाए तो उनका कहना है कि भाई तिब्बत क्योंकि बुद्धिज्म है और अब मुनाफी कुछ यहाँ पे है, तो उनको यू नो उस पार्ट को ये कहना चाह रहा है। क्योंकि चीन कभी भी, अगर आप देखेंगे तो चीन कभी भी भारत का भारत के सीमा में नहीं था ना, पहले तो तिब्बत और इंडिया था बेसिकली, तो हमारी सीमा जो तिब्बत से ये करती थी, तिब्बत से जुड़ी है। तो अगर आप पुराने अगर इतिहास को देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम सीधे चीन से हमारी जो हमारी सीमाएं मिलती, तो आप चूंकि चीन तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, तो उसके कारण उनको लग रहा है कि बने वो उस पे दावा करते हैं कि ये भी हमारा पार्ट है, जिसमें तवांग और ये सब को लेके ये करते हैं। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन और कौन से देश हैं जिनके साथ जमीनी विवाद है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के बारे में। अगर आप सोचते हैं कि नेपाल के साथ क्या विवाद होगा तो आप गलत हैं। तिब्बत के इलाके में चीन और नेपाल की 1439 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन नेपाल के कई इलाकों पर अपना दावा भी करता है, उन्हें तिब्बत का हिस्सा मानता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम नेपाल के हुमला जिले में चीन अतिक्रमण कर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो हर साल जारी होती है। इस रिपोर्ट में साउथ एशिया में सबसे शांत देश भूटान को बताया गया है। भूटान की सीमा भी चीन से लगती है, जिसकी लंबाई 477 किलोमीटर है। चीन भूटान के कई इलाकों पर अपना दावा करता है, जिसमें गोम्पा, धू, डुंगमार, गेसुर शामिल हैं। दोनों देशों के बीच 1980 के दशक से सीमा विवाद है। चीन का एक और पड़ोसी देश है लाओस। लाओस से चीन की सीमा की लंबाई करीब 500 किलोमीटर है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन दावा करता है कि युआन वंश के समय से ही लाओस उसका हिस्सा है। और इसके अलावा चीन ने 1950 से तिब्बत पर भी कब्जा कर रखा है, वहीं ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश तो आम बात है। लेकिन चीन, जिसका क्षेत्रफल पहले ही इतना बड़ा है और आबादी भी इतनी ज्यादा है, तो उसे जमीन पर कब्जा क्यों चाहिए? इतने देशों के साथ सीमा विवाद की क्या वजह है, बता रहे हैं राकेश। तो देखा जाए तो चीन मिडिल किंगडम बोलता था, उनका कहना था कि चीनी पूरे विश्व का केंद्र है ना, इसको इंग्लिश में मिडिल किंगडम बोलते हैं, और इसको चुंग गो चाइना, तो इसका अर्थ ही होता है कि मिडिल, चुंग मींस मिडिल और गो मींस कंट्री, तो ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड थे, ठीक है। तो ये उनका है, तो उनका कहना है कि भाई हम हर जगह, हमारी जो शक्ति थी हर जगह फैली हुई थी, एक तो ये कारण है कि, और आज भी देखा जाए तो अभी वर्तमान प्रत्यक्ष में देखा जाए तो चीन अपने आप को एक एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में
जाना चाहता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इनकी अपनी एक इनके अपने एम्बिशंस हैं, अपने इनके मकसद हैं, अपने अपने देश को, चीन को, चीन के साम्राज्य को आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो ये तो अगर हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि उनका नजरिया कैसा है, लेकिन अगर आप भौगोलिक रूप में भी देखेंगे तो चीन शुरू से कृषि आश्रित देश था, जिस तरह से हमारे भारत जो कृषि पर निर्धारित है, ठीक है। तो आज भी उनकी जो त्योहारें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो सारे भी लूनर कैलेंडर के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए कि और चीन की जो लोक कथाएं हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो लोग उसमें बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म और या मे भी उस तरह का, मैंने आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडिया में कि बहुत सारे हंसी और खुशी वाली है, नाचने गाने जलसा वाली जो दृश्य होती है, उस तरह का नहीं है। उसका कारण ये है कि चीन के पास जमीन तो बहुत है। अगर आप देखेंगे तो उनकी 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उनके एरिया है, ठीक है, उनकी जमीन है, बट उनकी खेती की जमीन है और ज्यादातर भाग है वो सारे पहाड़ों से। तो उनके पास जो खेती की जमीन है वो बहुत कम है, जिसके कारण क्या है कि उनकी जो अनाज और ये जो खान पान खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी कम होता था। तो जिसके कारण आप भी देखेंगे कि चीनी लोग का जो पुराने चीनी लोग थे उनके खाने का तरीका को देखेंगे आप और जिस गति से वो खाते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी ये जो उर्वर भूमि ना होने के कारण ये सारे दिक्कतें हो रही है। तो ये भी देखा जा सकता है कि ये भी एक हो कि वो जितने अपनी सीमा को मतलब जितने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे उतने उनको फूड सिक्योरिटी के इसमें भी कुछ कम बंधा उसका मकसद हो सकता है। तो ये अपने अपने देखने के नजरिए हैं, तरीके हैं, बट ये सच्चाई ये है कि चीन अपने जो शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है और अपने आप को विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में जानना जाना चाहता है। ये तो हो गया जमीनी विवाद, लेकिन चीन ऐसे कई देश हैं जिनके साथ उसका समुद्री सीमा को लेकर विवाद चलता है, जिसमें पहला है जापान। जापान के 3 द्वीप हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है। जब 1970 के दशक में इन द्वीपों पर ऑयल रिजर्व होने की बात आई, तब से चीन अपना दावा ठोकता है। वर्तमान में इन आइलैंड्स ने अपने आसपास अपने कोस्ट गार्ड की संख्या बढ़ा दी है। अगला नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के साथ 205 आइलैंड को लेकर के विवाद है। 1962 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में 127 आइलैंड नॉर्थ कोरिया को मिले, वहीं 78 आइलैंड चीन को मिले। लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि चीन अभी भी उसके कई द्वीपों पर कब्जा करके बैठा है। अगर दक्षिण चीन सागर की बात करें तो फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद है। वहीं इंडोनेशिया के साथ विवाद की बात करें तो नातुना आइलैंड और दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है। विवादों में अगला नंबर आता है मलेशिया का। चीन यहां भी स्प्रैटली आइलैंड को लेकर के लड़ता है। अप्रैल 2020 में चीन की नौसेना ने एक मलेशियाई जहाज को घेर लिया। सिंगापुर और चीन के बीच 2019 में एक समुद्र शांति समझौता हुआ था। दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से पर चीन अपना दावा करता है और इसे लेकर सिंगापुर के साथ टकराव का डर हमेशा बना रहता है। इसी तरह ब्रुनेई और साउथ कोरिया के कुछ हिस्सों पर विवाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1.5 से 2 दर्जन देशों के साथ चीन का विवाद है। वहीं 23 देशों के इलाकों को चीन अपना हिस्सा मानता है। तो यही वजह है कि चीन दुनिया के तमाम देशों के साथ अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत लगातार कोशिशें करता रहता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के साथ उसका संघर्ष चलता रहता है। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको इस पूरे विषय की बढ़िया जानकारी मिली होगी। और कोई सवाल हो या जानना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की हमारे साथी विनायक सिंह ने। मेरा नाम है अंकित। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर,
हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।